आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह की प्यार भरी गुड मॉर्निंग। और सुबह की 8:15 बज गए हैं, तो नाश्ता भी बन गया है हमारा। और ठंडी आज फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बाहर कोहरा ही कोहरा है, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो फिर आ जाइए गर्मा गर्म नाश्ता करने आप लोग। और नाश्ते में बनाया है आज मैंने उपमा, तो ये रहा आप लोगों के लिए उपमा। फिर करेंगे हम नाश्ता। क्या बना रहे? आज बना रहे हम दही की कढ़ी। तो कढ़ी में उबाल भी आ गया है, अब डालेंगे इसमें भजिया। बघार मैंने लगा दिया है, और दिया का लगाना है बघार, तो देखते हैं वे लगाएंगे या नहीं, क्योंकि गांव में तो आग में डाल के दिया और लगा देते हैं, लेकिन इधर तो गैस पे ही रखना पड़ेगा दिए को। तो बस उबाल आ गया है 2-3 बार, अब थोड़ी और पक जाए फिर बनाएंगे भजिया, फिर खिलाएंगे आप लोगों को गाय के मठा की गर्मा गर्म कढ़ी। तो कढ़ी हमारी बन गई है, और अब बना रहे हैं हम बड़ी। कढ़ी में डाल भी खिलाना, बना रहे हैं बड़ी। थोड़ा पतला और करेंगे इसको। और इधर देखिए कढ़ी उबाल गई है, तो इसको अब निकालेंगे इधर से, और बड़ी बनाएंगे। कढ़ी में डालेंगे रसगुल्ले की तरह फूली फूली गोल गोल। तो बड़ी भी बन गई है हमारे रसगुल्ले की तरह, देखिए गोल गोल फूली फूली। तो अब डालेंगे हम इनको कढ़ी में, इस पे निकालेंगे, और ऐसे ही सब बना लूँगी, और सब गरम गरम कढ़ी में डालते जाएंगे, तो अच्छे से फूलती भी जाएंगी। हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रश्मि एमपी व्लॉग में। और दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और आज तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो कमेंट करके बताइए आप लोगों की यहाँ कैसी ठंडी हो रही है, और ठंड की वजह से कैसे दिन बीत रहे हैं। हमारा तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कम्बल के अंदर रह के भी अंदर से कपकपी भर रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे तो। तो बस खाना भी हम आज ऐसे ही बैठ के खाऊंगी। तो आज तो दोपहर के 2 बज गए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो नहा तो लिया है मैंने, लेकिन इतनी ठंड लग रही है। तो देखिए बिस्तर में बैठी हैं, और बिस्तर से ही खाना खा रहे हैं मरीजों जैसा। क्या करूं, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और काम तो अभी कुछ भी हो नहीं पा रहा है। कल तो थोड़ी धूप निकल ही आई थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, और ठंड बढ़ती जा रही है। तो बस इधर गोविंद खा रहा था खाना, तो बस उसी में हम खाने लगे हैं। ये रहा हमारा खाना, टिफिन ले गया था, उसको टिफिन लगा दी थी मैंने, लेकिन ठंड की वजह से सर्दी हुई है उसको ज़्यादा, तो आज स्कूल नहीं गया है। तो ये है आलू गोभी मटर की सब्जी भेजला, और ये है मेथी की भाजी। तो भाजी मुझे बहुत पसंद है, तो हम खा रहे हैं भाजी और सब्जी दोनों, और गोविंद को भाजी नहीं है पसंद, तो वो खा रहा है सब्जी और पूड़ी। तो बस इतनी ठंड है कि खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, मरीज बनकर बिस्तर में से खाना खा रहे हैं आज।
और मुझे तो अलग से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो आज काम करना तो बंद बिल्कुल, और खाना भी थोड़ा कम है, लेकिन बिस्तर में ऐसे ही खा रही हूँ। ठंडी का करें लेकिन खाना तो खा ही इस ठंड ने तो मेरे ऑपरेशन की याद दिला दी, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था पथरी वाला जबलपुर में थी, तो ऐसे ही पलंग पे से मेरा बेटा खिलाता था अपने हाथों से मुझे खाना, और उसके बाद इस ठंड में अब खाना पड़ रहा है मुझे बिस्तर से खाना, क्योंकि जब से हमारे ऑपरेशन हुए हैं जब से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बहुत मुश्किल होता है ठंड को निकालना, तो कम्बल में भी हैं फिर भी अंदर से कपकपी हो रही है, और धूप का तो नामो निशान नहीं है, शायद थोड़ी थोड़ी निकली है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बाहर जाने से, लेकिन गोविंद तो चला गया है बाहर खाना खाने के बाद, और उसने बिस्तर में से नहीं बाहर से खाया है खाना, लेकिन मैं क्या करती, भूख भी लग रही थी और ठंड भी लग रही थी, तो बस मैंने तो बिस्तर में से खा लिया है। और जो लोग राम मंदिर जा रहे हैं दूर दूर से, उनका क्या होगा, और अब तो पता नहीं कैसा लगता है, क्या करने वाली है ये ठंड, जाते जाते आखिरी ठंड तो आखिरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी तो अभी पूरी ठंड निकल गई है, कभी नहीं हुई है जितनी आज हो रही है, पता नहीं क्या होगा अब ठंड में। और गांव में रहते थे तो मेरी तो पैरों में ऐसी सूजन आ जाती थी, चलते भी नहीं बनता था, नीचे भी दर्द करते थे चलने में, और सूजन भी आ जाती, काले काले पैर हो जाते थे, तो दवाई करवानी पड़ती थी जब चल पाते थे, और अभी पैर तो ठीक हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, रात में बर्तन धोना बहुत मुश्किल होता है।